ठीक है, शीट में कर लिया हमने, बताया था मैंने मिलिकन ने कैसे काम किया, एम जी इज इक्वल टू क्यू वाला सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन फॉल थ्रू 4 सेंटीमीटर, आज किया ना, इलेक्ट्रॉन नीचे गिर गया 4 सेंटीमीटर, फिर प्रोटोन गिरा था 4 सेंटीमीटर, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट, पेंडुलम वाला क्वेश्चन करवाया, ये स्ट्रिंग वाला, क्यू ई टी कॉस थीटा टी साइन थीटा सेम। नेक्स्ट है, डायपोल के क्वेश्चन करवाए थे, एक्सियल पे ई निकालो और इक्वेटोरियल पे ई निकालो, लास्ट टाइम याद होगा आपको, ठीक। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आज किया था, एक्स और टू माइनस एक्स वाला, जब डिस्टेंस उनके बीच में क्या आया था, 2/3 मीटर, जहां पर नेट ई जीरो था, ये भी क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव फ्रॉम अ कॉइन, तो आज करवाया कॉइन से कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ताकि नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो, ऐसे किया था। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फॉल कर रहा है, सेम क्वेश्चन, ठीक। एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन का सेम क्वेश्चन, फॉर्मूला अप्लाई करना है इसमें। टेंथ क्वेश्चन करना है, टेंथ करना है, इलेवेंथ करना है, टेंथ एंड इलेवेंथ। दोबारा भी देखो, डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो देखो ये ना आपको समझ जाना चाहिए कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है,
तो इलेक्ट्रॉन प्रोटोन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2a, 4×10⁻¹⁰ मीटर। इलेक्ट्रॉन प्रोटोन क्या होते हैं, डायपोल बनाते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो आपको क्या निकालना है इसमें, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी पता है आपको, 3×10⁻¹⁵ कितनी 5। एंगल आपको पता है, थीटा की वैल्यू आपको पता है 30। आपको टॉर्क निकालना है, टॉर्क का फॉर्मूला मैंने क्या करवाया, पी ई साइन ऑफ 30। पी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू 2a इंटू ई इंटू साइन ऑफ 30। तो क्यू चार्ज कितने हैं, 1.6×10⁻¹⁹ और 2a तो डायरेक्ट हमें गिवन ही है, 4×10⁻¹⁰ कितना -10। और e की वैल्यू भी हमें पता है कितनी, 3×10⁻¹⁵ कितनी 5 इंटू साइन ऑफ 30 आंसर। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो वैल्यूज पुट करेंगे टॉर्क आ जाएगा, ठीक है। ठीक, ठीक है, क्लियर है यहां तक, ठीक। ए नहीं, 2a, डायपोल में जो डिस्टेंस होता है वो 2a होता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेपरेटेड बाय 4×10⁻¹⁰, ये 2a गिवन है, a नहीं गिवन, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में डिस्टेंस गिवन है, तो वो 2a होता है ना डायपोल में, a थोड़ी ना होता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार प्लीज ट्राई करो, नेक्स्ट। इसमें ना बहुत सारी फोर्सेस इकट्ठी एक्ट कर रही हैं, इसमें प्लस वन का ही क्वेश्चन है, ये प्लस टू का तो है ही नहीं, तो इसमें प्लस टू का तो एफ सी यूज होना है, क्यू इज इक्वल, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो इसके अंदर वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 100, मास गिवन है 1 मीटर, चार्ज पता है, तो आपको इसमें ये निकालना है कितने टाइम में ये बॉडी कहाँ आएगी, नीचे आएगी। तो एक काम करते हैं, इसके अंदर फोर्सेस देखते हैं क्या एक्ट कर रही हैं इस पे। तो फोर्सेस के लिए देखो, सपोज ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ध्यान से आगे देखो प्लीज, इंक्लाइन प्लेन है और ये कोई भी एक बॉडी है, ठीक। पहला पॉइंट, यहां पे एक इसका जो वेट है वो कहां एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा, ठीक है। और कितना एक्ट करेगा, इज इक्वल टू एम जी, ये एंगल कितना है थीटा, ठीक है 30 जो भी है। अब मुझे पता है कि इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, पहला कंपोनेंट इसमें क्या होगा, जो पहला कंपोनेंट होगा वो होगा ये थीटा, तो एक होगा एम जी कॉस थीटा और एक इस तरफ होगा कितना एम जी साइन थीटा, ठीक हो गया। और नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा इसका, एन, ये पहली फोर्स क्लियर है। दूसरा, ये बॉडी नीचे आ रही है तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ ऐड करेगी, ऑपोजिट, तो ये स्टेप भी क्लियर है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑपोजिट ऐड करेगी,
ठीक है यहाँ तक। ये एंगल क्वेश्चन में कितना गिवन है, 30 डिग्री। ये हाइट कितनी गिवन है, 1 मीटर। तो 1 मीटर, तो इसका मतलब कि ये जो बॉडी है इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, मान लो एस। तो इस पूरे राइट एंगल ट्राइंगल में साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू 1/s। साइन 30 हाफ होता है, तो यहाँ से एस कितना आ गया, 2 मीटर। तो बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 मीटर। ये भी क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब क्वेश्चन में एक और चीज़ गिवन है। क्या चीज़ गिवन है क्वेश्चन में, ये गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ एक्ट कर रहा है बॉडी के ऊपर, टूवर्ड्स राइट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लियर है यहाँ तक। और इसके ऊपर चार्ज क्यू है, तो अगर इसके ऊपर चार्ज क्यू है और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ एक्ट कर रहा है, टूवर्ड्स राइट, तो पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस्ड कहाँ करेगी, टूवर्ड्स राइट। क्या स्टेप क्लियर है, अब ये भी तो फोर्स बनेगी क्यू ही, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है तो चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टूवर्ड्स राइट, कोई डाउट इसमें, ये स्टेप क्लियर है। अब ये थीटा है, तो यहाँ से इसके कॉम्पोनेंट्स आ जाएंगे क्यू ई के, क्योंकि ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 30, क्योंकि ये 30 कॉरस्पॉन्डिंग। तो क्यू ई के दो कॉम्पोनेंट्स आ जाएंगे, पहला कॉम्पोनेंट आएगा क्यू ई कॉस ऑफ 30, और दूसरा कॉम्पोनेंट आएगा इसके अलॉन्ग क्यू ई साइन ऑफ 30। क्या स्टेप क्लियर है, कोई डाउट इसमें, फोर्सेस समझ में आ रही हैं। एक फोर्स है एम जी, एक फोर्स है क्यू ई, एम जी के भी कॉम्पोनेंट्स, क्यू ई के भी कॉम्पोनेंट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो है ही ऊपर, क्लियर है यहाँ तक। अब ये बॉडी कहाँ आ रही है, नीचे, नीचे कौन सी फोर्स लेके आ रही है, एम जी साइन 30। कौन अपोज कर रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड क्यू ई कॉस 30। तो एक्सेलरेशन निकालनी हो तो नीचे की फोर्स कितनी है, एम जी साइन 30 माइनस बैकवर्ड फोर्स कितनी है, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन प्लस क्यू ई कॉस ऑफ 30 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है यहां तक। तो नीचे की फोर्स माइनस ऊपर की फोर्सेस, नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है यहां तक। मतलब ऐसे करेंगे, ये फोर्स नीचे की फोर्स है, ये पीछे की फोर्स है, ये भी पीछे की फोर्स है, तो लॉज ऑफ मोशन क्या कहता था कि नीचे की फोर्स माइनस पीछे की फोर्स इज नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसमें एन निकालना होगा, एन की वैल्यू किसके इक्वल है, इन दोनों के सम के इक्वल है, तो एन विल बी इक्वल टू एम जी कॉस ऑफ थीटा प्लस क्यू ई साइन ऑफ थीटा। तो इस एन की जगह आप यहां पुट कर दें, इस सारी वैल्यूज को पुट करें तो क्या आएगी, एक्स। सब कुछ गिवन है, एम पता है, क्यू पता है, ई पता है, सब पता है, लंबी कैलकुलेशन है, तो क्या आएगी, एक्सेलरेशन। फिर एक्सेलरेशन आ गई, तो एस इज इक्वल टू बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टी का स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने 2 मीटर कवर की, एक्सेलरेशन हमने निकाल ली, यहां से क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। अब ऐसा क्वेश्चन तो आए या ना आए मुझे पता नहीं, आएगा नहीं, बट ये प्लस वन रिवाइज जरूर करवा देगा आपकी, कौन कौन सी फोर्सेज हैं, क्यू ही है, नहीं है, वो क्या होगा मालूम नहीं, क्या पता आ भी जाए यार, हम किसी को क्या बोले हैं, क्योंकि जिसको बोलते हैं आएगा नहीं, आएगा नहीं, फिर अनएक्सपेक्टेड पेपर में वो आ भी जाता है, ठीक। तो आप मेरे पे बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे, अपने विश्वास रखेंगे और सारी तैयारी करेंगे, ठीक। अनइम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है, क्या कह सकते हैं, बनाने वाले की मर्जी है, क्या कह सकते हैं, क्यू ही दे देगा, क्या बड़ी बात है, कुछ कुछ नहीं।